नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो कंडीशन के बारे में और दो डोज और दो अलग अलग बीमारी के बारे में, दोनों को कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों उस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि TLC कम करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए और छोटे बच्चों में कौन कौन सा मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए, बड़े लोगों में कौन कौन सा मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर हैं, पेशेंट हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत मेहनत पड़ती है रिसर्च करने में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि TLC बढ़ने पे कौन कौन सा मेडिसिन देना चाहिए एडल्ट लोगों में और TLC बढ़ने पे कौन कौन सा मेडिसिन देना चाहिए छोटे बच्चों में, इन दोनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एडल्ट के बारे में। तो यहाँ बात करेंगे कि TLC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो TLC का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है दोस्तों। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4000 से लेकर के 11000 इसकी नॉर्मल रेंज होती है, यानी कि 4000 से लेकर के और 11000 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है और ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है इसका फुल फॉर्म। इसको WBC भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड के अंदर ही पाया जाता है। तो TLC दोस्तों एक प्रकार का हमारे ब्लड के अंदर इम्यून सिस्टम का काम करता है। मान लीजिए कि अगर ये लो हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, बढ़ जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे कंडीशन में इसका नॉर्मल रेंज होना ही आपके लिए बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी पेशेंट की TLC बढ़ गई है तो कैसे पहचानेंगे कि उसके क्या लक्षण हैं, क्या उसका रिएक्शन दिखने को मिलता है, जिससे कि आपको पता चल सके कि TLC बढ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले जिस पेशेंट की TLC बढ़ती है तो उसको लीवर में इन्फेक्शन होता है, किडनी में इन्फेक्शन होता है, किडनी में स्टोन होता है या पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होता है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है तो TLC बढ़ जाती है। तो जब TLC बढ़ेगी तो उसको कोई मेडिसिन काम नहीं करती हाली और उसको बार बार बुखार आएगा, तेज़ बुखार आएगा, उलझन, डिप्रेशन, वोमिटिंग, हेडेक, इस तरह की दिक्कत पेशेंट को देखने को मिलती है जिस पेशेंट को TLC बड़ी होती है। तो TLC बढ़ने पर मैंने बता दिया है, आप समझ में आपको आ गया होगा कि TLC बढ़ने पर फलाफला दिक्कत होती है। जब TLC बढ़ेगी तो बहुत तेज बुखार आएगा, उलझन, डिप्रेशन होगा पेशेंट को टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ने पे, ठीक है। तो ऐसे में बिल्कुल पेशेंट को घबराना नहीं है। अगर TLC उसकी बढ़ी है और इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो सबसे पहले उसको एक टेस्ट करवाना है, जिस टेस्ट का नाम है CBC विडाल टेस्ट। CBC विडाल टेस्ट पेशेंट को करवाना है। CBC विडाल टेस्ट करवाने के बाद में आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा कि TLC कितनी बढ़ी हुई है। तो अगर TLC बढ़ी है 30,000, 40,000, 35,000, 1,00,000, 1.5 लाख अगर TLC है तो बिल्कुल घबराना नहीं है। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जो जो सावधानी मेडिसिन बताऊँगा 101% इसी मेडिसिन से उनको गारंटी के साथ फायदा हो जाएगा। तो मान लीजिए कि एग्जांपल 4 पे TLC 20,000, 30,000, 40,000 के अराउंड में है तो क्या करना चाहिए पेशेंट को। खांसी भी आ रही, सीने में दर्द हो रहा, सांस लेने में दिक्कत है, तो सबसे पहले यहाँ पे टेबलेट देख सकते हो, सेफाकैंड 500 mg की। सेफाकैंड 500 mg की टेबलेट हमारे पास है। इस टेबलेट को पेशेंट को सुबह शाम में चला देना है, 2 टाइम सेफाकैंड देना है और पेशेंट को सीने में दर्द है तो 0 डाल पी देना है सुबह शाम में, और कभी कभी ज़्यादा दर्द होता है तो 3 टाइम दे सकते हो। न्यूकार्डियम 4 टेबलेट आती है, इसको सुबह शाम देना है। ओमना कार्टिल सुबह शाम देना है। पेंटॉप DSR कैप्सूल से पेन 40 टेबलेट को सुबह शाम में देना, ठीक। तो ये 4 मेडिसिन हो गई जो पेशेंट को सुबह शाम में देना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नाम है एजिथ्राल 500 mg, एजिथ्रोमाइसिन 500, इसका कॉम्बिनेशन होता है। इस मेडिसिन को लगातार पेशेंट को 1 वीक तक देना है, मतलब 1 हफ्ता तक पेशेंट को देना है, दोपहर में OD देना, ठीक है। गुड ब्रेकफास्ट या खाना खाने के बाद में पेशेंट को दोपहर में एक बार देना है 7 दिन तक, और ये 7 दिन तक मेडिसिन सुबह शाम देना है और 7 दिन तक दोपहर में देना है, ठीक। अब बात करते हैं अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और फीवर आ रहा है तो आप 0 डाल पी या डोलो 650 3 टाइम दे सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ में आपको इंजेक्शन 3 देने पड़ेंगे। अगर TLC 40,000 आसपास में तो ये जानते हो कौन कौन से मेडिसिन इंजेक्शन है। तो सबसे पहले मेरोपेनम इंजेक्शन 4.5 ग्राम लगाना है सुबह शाम में, बीगो में IV करना है, पेंटॉप IV सुबह शाम में लगाना है, ठीक है, एमिकासिन लगाना है। तो ये 3 इंजेक्शन आपको 5 दिन तक देना है, 5 दिन तक ये 3 इंजेक्शन सुबह शाम देना है, क्योंकि आपको पता है कि जब TLC बढ़ती है तो लेंग्स में इन्फेक्शन होता है, तो लेंग्स के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपको एंटीबायोटिक ही देना पड़ेगा। तो ये इंजेक्शन 3 टाइम देना है। और खांसी बहुत है पेशेंट को तो आस्था कैंड एलियस सीरम देना है 10-10 ml 3 टाइम में। ठंडी चीज़ें पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना है, और मोंटीकॉप रात में देना है पेशेंट को सोने के टाइम में 5 दिन तक, जिससे कि उसको अस्थमा, खांसी में प्रॉब्लम जो हो रही वो ठीक हो जाए। और ये इंजेक्शन आपको लगातार जरूर देना, ठीक है।
तो ये आपको ट्रीटमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और दूसरा आपको बता दें कि ये एडल्ट के बारे में पूरा विस्तार से हमने बता दिया है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जिन छोटे बच्चों की TLC बढ़ गई, जिनकी एज 1 साल 8 महीना 2 महीना 3 साल 4 साल के, तो क्या करना चाहिए। तो सेम प्रोसेस मैंने लक्षण बताया कि TLC का फुल फॉर्म टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो बच्चों का भी CBC टेस्ट करवाना होगा। उसके बाद में बच्चों को अगर TLC बड़ी निकलती तो एक सीरप आता है एजिथ्रोमाइसिन 200 mg का सीरप आता है। इस एजिथ्रोमाइसिन सीरप को बच्चे को 2.5 ml सुबह और शाम देना है। अगर बच्चा 1 साल का है तो, अगर बच्चा 5 साल के आसपास में, 3 साल 3.5 साल के आसपास में, तो एजिथ्रोमाइसिन को 5 ml दोपहर में देना है, 5 ml दोपहर में देना है। और क्लेबाम सिरप आता है, क्लेबाम सिरप को सुबह शाम में देना है पेशेंट को, बच्चे को 5-5 ml दो टाइम देना है। और एक आता है ओमनाकार्टिल सिरप, इसको 5-5 ml दो टाइम पेशेंट को देना है सुबह शाम में। और एंटीबायोटिक क्लेबाम हो गया, एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन हो गया और ओमनाकार्टिल हो गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ में एक मल्टीविटामिन ड्राप बच्चे को देना है, ओरो पर एक्सट्री ड्राप हो सकता है या मल्टीविटामिन ड्राप हो सकता है, वो दे सकते हो। अगर बच्चे की एज 3 साल है तो 5-5 ml देना रहेगा। और इंजेक्शन बच्चों को भी लगाना है, तो इंजेक्शन के लिए आपको मेरोपेनम 250 इंजेक्शन आता है, इसको सुबह शाम लगाना है। एमिकासिन 100 आता है, सुबह शाम में लगाना है। और ये 2 इंजेक्शन बच्चे को लगाए जाएंगे। बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो उस कंडीशन में आप बच्चे को एस्कोरिल एलिया सीरप दे सकते हो 5-5 ml 3 टाइम में, मोंटीकोप सीरप दे सकते हो 2.5-2.5 ml 2 टाइम में, जो कि मतलब अगर आपके पास मिल जाता है तो। इसके बारे में मैंने और वीडियो सारे बनाए हैं TLC को कैसे कम करना है, तो वो सीरीज पूरी जाकर के आप देख सकते हो, अच्छा खासा उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो डरने घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया, समझ में तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।